आज हम करने वाले हैं इसका टेयर डाउन। यह है जेब्रॉन, इसका डिलाइट 5W आउटपुट के साथ आता है। रिसेंट क्वालिटी इसकी, आपको यहाँ पर सारे बटन्स मिल जाते हैं। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी ना थोड़ी सी डिसेंट ही है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर फंसाने से पहले एक ट्राई कीजिए, मैं यहाँ से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि आप इसको यहाँ पर फंसाओगे ना तो शायद ये ब्रेक हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर, मैंने एक बार ट्राई किया था लेकिन पूरा नहीं खुला है, तो ऐसे करके आप ट्राई कर लो ताकि ना ब्रेक ना हो जाए। इसके बाद आप इसको यहाँ पर फंसाओ और ऐसे निकाल दो, ठीक है, यहाँ से निकल गया। लेकिन ये डायरेक्ट इसमें मत घुसाओ क्योंकि प्लास्टिक क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, सॉफ्ट प्लास्टिक होना चाहिए। चारों तरफ से आपको पुश करना पड़ेगा, तो ये निकल गया। इस तरह से कुछ दिखता है जेब्रॉन इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये है स्पीकर और ये है बेस, 5W आउटपुट के साथ आता है। इसके बाद हम करेंगे बेस वाइब्रेशन और साउंड क्वालिटी भी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको कंसिडर करना है कि नहीं। ये है शाबू वाला टेस्ट, स्टार्ट। चावल वाला टेस्ट स्टार्ट। तो कैसा लगा आपको इसका बेस वाइब्रेशन? है क्या इसमें बेस? बेस तो है ही नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए दिया है। स्पीकर अच्छी क्वालिटी वाला है, डिसेंट साउंड आउटपुट दे देता है, लेकिन जो पावरफुल बेस होना चाहिए, बास आउटपुट, वो इसमें है नहीं। आपके 700 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। आपको अगर दूसरे स्पीकर देखने हैं ना किस तरह से बजाते हैं बेस वाइब्रेशन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में URL डाल दिए, आप वहाँ से चेक कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा किस तरह से ये पावरफुल बेस बजाता है। ये सारे सैम्पल्स मैंने ले लिए थे, इसमें तो ना कुछ भी बेस इस पर वाइब्रेशन दिखा नहीं रहा। और बाकी स्पीकर्स ना बहुत ही पावरफुल है, 2 सेकंड के लिए भी यहाँ पर नहीं रखते, पूरा बाहर निकल जाता है, चावल हो दाल हो कुछ भी। तो आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। 700 रुपये, 800 से 900 रुपये तक आपको अच्छा खासा स्पीकर मिल जाएगा बाकी कंपनियों का, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में URL डाल दिए, आप वहाँ से चेक कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा।